हे गाइस, तो झांकी देखने के एक दिन पहले मेरा डांस कंपटीशन था, तो उधर हमने ये डांस वांस किया था। एंड देन उसके बाद हम लोग दूसरे दिन झांकी देखने चले गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर अभी बड़े पापा का वेट कर रहे हैं। बहुत देर तक हम वेट करने के बाद हम लोग चले गए अंदर, और अंदर बहुत सारे चीज़ें देखते देखते जा रहे थे। और यहाँ पर ना मेला टाइप बना हुआ था, तो वो भी देख रहे थे। और डेकोरेशन तो बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब सुपर थी। तो फिर उसके बाद हम लोग अंदर जा रहे थे। अंदर भी बहुत मतलब लंबी लाइन लगी हुई थी झांकी देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मेला देखा, झांकी नहीं देखी। और फिर बहुत सारी चीज़ें देखते देखते हाथ से निकल रहे थे। फिर यहाँ पर मुझे अपने भाई की आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने एक बार टेस्ट की, और उसकी आइसक्रीम कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, मेरे से भी ज़्यादा। और ये देखो यहाँ पर कितनी लंबी लाइन बनी हुई है। अगर इसको हम लोग इस पर चल जाते तो फिर हमको जन्म जन्म लग जाता है झांकी तक पहुँचने में, तो हम लोग इस पर नहीं गए। और यहाँ पर देखो मेरी बहन ने इनके ऊपर तो पूरा कैमरा ही घुसा दिया। मैंने उसको रिकॉर्डिंग बोलने करने को बोला था, और देखो उसने कैमरा ही घुसा दिया। फिर उसके बाद हम निकल गए थे दूसरी जगह जाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे कालीबाड़ी में। और फिर कालीबाड़ी में भी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, यहाँ पर सिर्फ झांकी थी, मेरा टाइप नहीं था। और फिर यहाँ पर हम लोग जा रहे थे कालीबाड़ी में। फिर एक और माता जी के दर्शन लेने के बाद हम लोग वहाँ से भी निकल गए। और यहाँ पे भी मतलब बहुत अच्छी डेकोरेशन, ये मतलब नवरात्रि के टाइम में ना ये डेकोरेशन देखने में बहुत मजा आती है। फिर उसके बाद यहाँ का व्यू देखने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। और यहाँ पे ना कुछ तांडव हो रहा था, तो वो भी हमने देखा और उसको भी इंजॉय किया। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय।